नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा तारका मरुस्थल, भारत की समुद्री सीमाएं और आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, भारत का अपवा तंत्र। तो पहले देखते हैं अपवा तंत्र। इसमें अपवा तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का दिमाग में आते ही, एक नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चित्र आना चाहिए कि ड्रेनेज यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम घर में भी बनाते हैं, तो वही ड्रेनेज सिस्टम है कि किस तरह से पानी का फ्लो होता है। जैसे बारिश आती है तो आपने देखा होगा कि रोड पे कैसे पानी गिरता है और जिस तरफ ढलान होता है उस तरफ पानी का बहाव होना शुरू हो जाता है और ये पानी छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा एक बड़े नाले में जाके गिर जाता है। तो ये एक बड़ा नाला, छोटे नाले सब मिलके एक अपवा तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन अगर वृत्त रूप से देखें, अगर बुक के हिसाब से देखें कि क्या अपवा तंत्र होता है, तो अपवा तंत्र में डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर या निश्चित जो वाहिकाएं होती हैं उनके माध्यम से जो जल प्रवाह होता है, जिससे ये वाहिकाएं, अब यहाँ ब्लू कलर की वाहिकाएं देख सकते हो, इनके माध्यम से जो पानी का प्रवाह हो रहा है, यानी इधर से इस तरफ पानी आ रहा है, ये पूरा ऊंचाई वाला एरिया है, यहाँ से इन निश्चित वाहिकाओं द्वारा पानी का प्रवाह जो हो रहा है उसे हम अपवाह कहते हैं। और ये सभी वाहिकाएँ यानी ट्रिब्यूटरीज सब मिलकर और ये मेन रिवर जो है सब मिलके एक अपवा तंत्र का निर्माण करती है। जितना एरिया ये जो बहाया जाता है इन वाहिकाओं के द्वारा, नदी द्वारा, वह अपवा क्षेत्र कहलाता है। यानी ये एक नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जल, ये कैचमेंट एरिया, हिंदी में बोलते हैं जल संभर क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं। अपवा तंत्र को अगर हम देखें तो अपवा तंत्र में छोटी नदियां भी होती है और बड़ी नदियां भी होती हैं। तो यहाँ आप देखते हैं वाटरशेड लिखा है, ये एक डॉटेड लाइन भी आप देख रहे हैं, एक डॉटेड लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन एक शो करती है कि अगर बारिश का पानी इस तरफ गिरेगा कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी गिरेगा, तो वो पानी इसके अंदर नहीं आके इसके दूसरी तरफ जाएगा। यानी ये एक अपवा क्षेत्र हुआ और ये इधर दूसरा अपवा क्षेत्र कोई होगा, इधर तीसरा होगा, इधर चौथा होगा, क्योंकि यहाँ का पूरा पानी इस तरफ के ढलान के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ कोई भी अगर बारिश वगैरह होती है तो ये पानी दूसरी तरफ जाएगा, ना कि इधर। ये लाइन जो है उसी को इंगित कर रही है। अभी छोटी नदी जो होती है उसका जो एरिया होता है पानी ग्रहण करने का, यानी जितनी दूर से उसको पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं वाटरशेड। और अगर बड़ी नदी है जैसे अमेजन नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो वो जो उनकी द्रोणी होती है उनको हम रिवर बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन, जैसे महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन, तो वो नदी बेसिन कहलाते हैं। नदी द्रोणी जो है वो एकता का परिचायक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं आके, सब आके एक ही इस नाले में, यानी ये जो मुख्य नदी है इसी में अपना जल डाल रही है। अगर भारतीय अपवा तंत्र के हिसाब से हम देखते हैं
जैसे अभी यहाँ पे ये डायग्राम को पहले हम देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ रिवर है, यानी ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ से पूरा पानी बारिश होगी, यहाँ से पूरा पानी बह के नीचे जाएगा ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से, और ये एक मेन रिवर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं समुद्र दिखाया गया, समुद्र में आके नदी गिरती है। ये कन्फ्लुएंस यानी संगम, हिंदी में बोलते हैं संगम, जैसे इलाहाबाद का संगम हरिद्वार में मिलता है, फिर अपना रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, या ऐसे करके अपने इंडिया में चार पांच संगम स्थल है जहाँ पे नदियाँ आके मिलती है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का एक मोटा मोटा पार्ट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कौन सी एक लाइन है जो भारत के ड्रेनेज सिस्टम को यानी नदियों के अपवाह तंत्र को बांटकर अलग कर दे रही है। तो आप यहाँ एक लाइन देख रही हैं, ये लाइन हिमालय को बीच में से काटती हुई, उत्तराखंड हिमाचल से होती हुई, दिल्ली से होती हुई, राजस्थान को बीच में से काटती हुई, ये लाइन विंध्याचल पर्वत के समानांतर, सतपुड़ा के समानांतर फिर आते हुए पश्चिमी घाट के पैरेलल यहाँ से इंडिया को काटती है। यानी ये लाइन को हम देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन के उत्तर वाली नदियाँ, इधर वाली नदियाँ, सब इनका सारा जल इधर जाएगा, ये लाइन है इसका, इधर की नदियों का पानी इधर जाएगा, ये लाइन के इधर की नदियों का पानी इधर आएगा, ये लाइन के इधर की नदियों का पानी, पूरा पानी इधर आएगा, और यहाँ जो ये लाइन है यहाँ की नदियों का पानी यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, इनके बीच वाले नदियों का पानी इधर बीच की तरफ आएगा, और यहाँ जो नदी है उन सभी नदियों का पानी इस तरफ आएगा, और ये लाइन के पश्चिम की साइड में जो नदियाँ बहेगी उनका पानी पश्चिम की तरफ जाएगा। तो एक ये इंडिया की वाटर लाइन है। इनमें हम भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का भाग देखें तो भारत की प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं गंगा नदी, जो आप यहाँ देख रहे हैं गंगा रिवर है यहाँ पे, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यहाँ की तिब्बत से निकल के ये सांगपो रिवर करके फिर यहाँ नामचा बरवा से यहाँ दियंगार्ज बनाती है और असम बह के ये आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, फिर महानदी, महानदी यहाँ पे ये महानदी, उसके बाद में यहाँ गोदावरी, फिर कृष्णा, ये सब मुख्य नदियाँ हैं जो लगभग अपवाह क्षेत्र का 77% भाग बनाती है, और बाकी जो 23% है उनमें सिंधु नदी का नाम आता है, उसके बाद नर्मदा, तापती, पेरियार, भरतपुजा, मांडवी, ये सब महानदी, सॉरी या माही नदी, ये सब जो बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी अपना गिरा रही है उन नदियों का नाम आता है। यानी 23% इधर अरब सागर में जो पानी गिरा रही है उन नदियों का भाग हो गया, और 77% वे बंगाल में जो अपना जल गिरा रही है उनका भाग हो गया। अभी जो हमने पिछले डायग्राम में देखा जल संभर क्षेत्र यानी वाटर शेड या रिवर बेसिन, ये रिवर बेसिन नदी का कितना बड़ा है इसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर है, वो वृत्त प्रकार का हो गया यानी बड़ा, जिनमें 14 नदी द्रोणियाँ जो है प्रमुख हैं, इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक, गोदावरी, ये सब नदियाँ इसमें शामिल हैं। यानी 20,000 किलोमीटर एरिया से एरिया में से ज़्यादा इनका रिवर बेसिन है। दूसरी नदी जो है उसको हम बोलते हैं मध्यम नदी। मध्यम नदी में जो एरिया है उसका रिवर बेसिन का वो 2,000 से 20,000 किलोमीटर तक है, यानी 20,000 किलोमीटर से ऊपर मुख्य नदी का था, उसके बाद में मध्यम नदी का 2,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक। उसके बाद में जो लघु नदी है, सबसे छोटी नदियां जो होती है उनका 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। और जो नदियों का अगर बात करें द्रोणियों की, तो
सबसे पहले वाले में हमने देखा कि 14 नदी द्रोणीय थी, उसके बाद में मध्यम वाले में करीब 44 नदी द्रोणीय थी, और लघु वाले में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये संख्या क्रम से 14, 44 और ये बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ भारत में बह रही है छोटी छोटी, जिनका अपव्यय क्षेत्र 2000 किलोमीटर से 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होगा, और ये जहाँ बारिश कम होती है उन एरिया में ये बहती है। भारत में जो प्रवाह होने वाली नदियाँ हैं उनमें बहुत सारी नदियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, और ये भारत का एक बहुत बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ वेस्टर्न घाट से हम देख रहे हैं यहाँ की सारी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती है और ये पूरे एरिया को जल प्रदान करती है। भारत के अपवाह तंत्र की बात अब तक हमने की, अब हम पढ़ते हैं अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है और उसको क्या-क्या नाम दिया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र जो है वो उसका डिवाइडेशन एक आधार पे किया गया है कि जो नदियाँ बह रही है वो वहाँ की भू संरचना पे डिपेंडेंट है या नहीं है। इसके आधार पर हम अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, पहला है सिक्वेंट, दूसरा है इनसिक्वेंट। सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, और दूसरा होता है इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं क्रमवती, यानी एक क्रम से जो ढाल का अनुसरण करती है और एक अक्रमवती, यानी जो ढाल का अनुसरण उसमें नहीं किया जाता। तो सबसे पहला वाला हम देखते हैं, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, यानी ये कॉन्सिक्वेंट रिवर, इसमें एक एक होती है, दूसरी सब सिक्वेंट रिवर होती है, एक रिस सिक्वेंट रिवर होती है, चौथी ऑफ सिक्वेंट रिवर होती है। तो जो कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है वो मुख्य रिवर होती है, आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, और यहाँ से इस तरफ इसकी डायरेक्शन में ये बह रही है। ये सबसे मुख्य रिवर होती है जो कि तीव्र ढाल वाली एरिया में बहती है, इसका बहाव तेज होता है और ये कहीं की भी मुख्य नदी होती है। दूसरी जो रिवर होती है उसको हम बोलते हैं सबसिक्वेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसिक्वेंट रिवर, इसको हिंदी में बोलते हैं परवर्ती नदी, पर्वती नदी बोलते हैं इसको। ये नदी जो है जो मुख्य नदी है उसके बाद जो अपनतियाँ उत्पन्न होगी, यानी जो मुख्य नदी अगर ग्रेट हिमालय से निकल रही है तो उसके आसपास की जो छोटी अपनतियाँ हैं वहाँ से जो निकलने वाली सरिता रहेगी वो आके इस मुख्य नदी में समकोण पे आके मिलती है। यानी यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो समकोण पे आके ये नदी मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर। फिर हम ये एक रिवर आती है ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट रिवर जैसा कि नाम से पता लगता है प्रति अनुवर्ती सरिता, यानी ये जो रिवर है ये जो मुख्य नदी है उसकी विपरीत दिशा में आके मुख्य नदी में मिलती है, इसलिए इस नदी को हम प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं। ये प्रति अनुवर्ती सरिता भी अनुवर्ती सरिता ही होती है, यानी मुख्य नदी जैसी होती है, क्योंकि ये भी अपने ढाल के अनुरूप ही बहती है, और प्रति अनुवर्ती सरिता पर्वती जैसे समकोण पर मिलती है। ये जो रिवर है ये जो नदी है इस नदी के समकोण पे आके मिलती है, यानी जैसे जैसे अभी यहाँ आके मिल रही है ना, तो यहाँ ये इसमें आके यहाँ समकोण पे आके मिल जा रही है। तो
इसकी जो बहाव की दिशा है मेन डायरेक्शन रहता है, ऑब्सिक्वेंट का मतलब ये होता है प्रति अनुवर्ती, जो अनुवर्ती हमारी नदी है उसके विपरीत दिशा में ये यहाँ से बह के और सब्सिक्वेंट रिवर में आके मिलती है, या अनुवर्ती नदी में भी आके मिल सकती है। तो ये तीन टाइप की नदियाँ हुई। फिर चौथी नदी हुई नवानुपवर्ती सरिता या रिसिक्वेंट रिवर। जो मेन हमारी कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसकी प्रवाह दिशा के अनुरूप ही इसने ये नदी आके इसमें मिलती है, और इसका उद्भव जो है ये जो मुख्य रिवर है, यहाँ पे मुख्य रिवर है इसके बाद इसका उद्भव होता है, इसलिए इसको रिसिक्वेंट रिवर कहते हैं, यानी नवानुवर्ती, यानी ये जो अनुवर्ती है इसके बाद में इसका जन्म हुआ है और ये उसके बाद में बनी है, इसलिए इसको नवानुवर्ती नदी कहते हैं। अभी अगला टॉपिक हम देखेंगे इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में इसका मतलब होता है कि जो नदी बह रही है वो अपने ढाल का अनुसरण नहीं करके और जहाँ वह पहले से बह रही है उसी के अकॉर्डिंग बहती रहेगी। जैसे हमने देखा कि सिंधु नदी बह रही है और सिंधु नदी हिमालय को काटकर पश्चिम की तरफ जा रही है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी दिहंग आर्ज बनाकर असम में बहती हुई बांग्लादेश होती हुई और अरब सागर में गिर रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से दिहंग बना के इस तरह से बह रही है, और ये सिंधु नदी जो ऐसे आके यहाँ पे सिंधु गर्ज बना के यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है, और ये गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब नदियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, ये हिमालय हिमालय को काट कर ये नदियाँ आ रही है। तो पुराने टाइम में जब हिमालय नहीं था तब भी ये नदियाँ जो है बहती थी, जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय निकला, बाहर निकला जमीन से ऊपर आया, तो ये नदियों ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, बल्कि जो उत्थान हो रहा था उसी का अपरदन करके अपने दिशा में बहती रही। तो ऐसी नदियों को हम प्रवर्ती नदियाँ कहते हैं, और इन नदियों में सिंधु नदी का नाम आता है मुख्य रूप से, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो मुख्य है। तो सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हिमालय की तीन श्रेणियों को काट के और फिर आर पार प्रवाहित होती है, जैसा कि माउंटेन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये माउंटेन स्ट्रक्चर, और ये ऐसे तीन हिमालय की तीनों जो श्रेणियाँ हैं उन्हीं तीनों श्रेणियों को काट के ये प्रवाहित होती है। उसके बाद में जो कश्मीर में जो झेलम नदी है वो यमुना नदी और रावी नदी, रामगंगा, ये सभी लेसर हिमालय और शिवालिक को काट के बहती है। उसके बाद में राप्ती नदी, गोला नदी और कमला नदी जो है वो शिवालिक को काट के बहती है। तो ये सब पूर्ववर्ती नदियाँ हुई जिनका हम जिक्र करते हैं कि ये जो जितनी भी नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने बिना ढाल का अनुसरण किए ही अपना बहाव को कंटिन्यू रखा। अभी हम अगला जो है इनकॉन्सिक्वेंट अपवाहतंत्र जो है ड्रेनेज सिस्टम, इनसिक्वेंट इनसिक्वेंट यानी अकर्मवती अपवाहतंत्र का दूसरा भाग पढ़ेंगे, उसका नाम है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। जैसे आपकी नाम है सुपर इम्पोज, यानी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाना। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लैंड स्ट्रक्चर है, ये नदी यहाँ से इस तरफ बह रही है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नदी बह रही है, ये स्ट्रक्चर पहले दूसरा था, नदी बहती गई बहती गई और जो नरम चट्टान है उनको ऊपर से इसने काट दिया। अंदर का जो चट्टान का स्ट्रक्चर है वो अलग है, बाहर का स्ट्रक्चर अलग है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फोल्डेड है और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट
कोमल चट्टाने, इनको इनको काट के जैसे जैसे ये काटती गई, अंदर की जो चट्टाने हैं, जैसे जैसे ये अंदर जो चट्टाने निकली, इसने क्या, इन्होंने क्या किया, बिना ढाल का अनुसरण किए इन चट्टानों को भी काट के अपने मार्ग में कंटिन्यू बहती गई, यानी अपनी घाटी को कंटिन्यू गहरा करती गई और उसने अपनी दिशा को चेंज नहीं किया। क्योंकि अंदर की चट्टान यहाँ देख रहे हैं आप, ये फोल्डेड माउंटेन आ गए हैं, फोल्डेड यहाँ पे स्ट्रक्चर है यहाँ की रॉक्स का, लेकिन इन्होंने इन फोल्डेड को भी काट के यहाँ गार्ज बना दिया और अपनी दिशा को कंटिन्यू रखा। तो ये सब जो रिवर होती है उनको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज रिवर। जो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं वो सुपर इम्पोज रिवर का अच्छा उदाहरण है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, फिर कावेरी, ये सब नदियाँ हैं। तो ये कहा जाता है कि ये सब नदियाँ जो हैं, जब दक्कन का लावा ट्रेप में लावा का प्रभाव हुआ तो जो इनकी नदी घाटियाँ हैं पूर्ण रूप से बंद हो गई, लेकिन जैसे ये नदियाँ अपने बहाव में कंटिन्यू बह रही थी, इनके ऊपर जो पानी है वो चल रहा था, जैसे 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 नदियाँ बहती गई उन्होंने उन चट्टानों को काट के फिर अपनी घाटी को गहरा किया और अपनी घाटी में पुनः बहने लग गई। तो ये दूसरा टाइप का जो था वो था सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम, जो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का दूसरा पार्ट था। अभी हम देखते हैं जो नदी यहाँ पे इरोजन कर रही है, ये अपने आधार तल को प्राप्त करती है और आधार तल जो है वो ही नदी अपरदन का सबसे अंतिम बॉर्डर लाइन होती है, बाउंड्री होती है, यानी उससे नीचे वो नहीं काटती है। तो इसके बारे में बताया वो पावेल मोदे थे, मेजर पावेल, उन्होंने इसके बारे में बताया। और नदी का जो ढाल होता है उसका प्रतिस्थापन किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में, और अपरदन चक्र यानी कैसे एक रॉक्स का अपरदन होता है उसके बारे में वाल्टर पैंग ने बताया था। अब आगे हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न। अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके टाइप पढ़े, सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, फिर इनसिक्वेंट के हमने चार चार टाइप पढ़े, और उसमें चार टाइप में जो पहला टाइप था वो था कोसिक्वेंट, जो दूसरा टाइप था वो था सबसिक्वेंट, तीसरा ऑब्सिक्वेंट, चौथा रिसिक्वेंट। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो था हमारा था इनसिक्वेंट, उसमें पहला पार्ट एंटीसीडेंट और दूसरा था सुपर इम्पोज्ड। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि जो हमारा अपवाह हो रहा है वो किस किस रूप में हो रहा है, किस तरह की उसमें एक फोटो बनती है या कैसी लाइनें उसमें बनती है, उसके आधार पे ये उसको हम पैटर्न का करार देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला है डेंड्रिटिक पैटर्न, इसमें ये मुख्य रिवर है जो ब्लैक कलर में शो की हुई है, इसका बहाव इस तरफ है, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई वृक्ष है और उसकी शाखाएं निकली हुई है, तो ये इसको हम वृक्षाकार बोलते हैं। दूसरा है ट्रेलिस, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं एक जाली जाली के रूप में नदी का बहाव ऐसे है और ये इसकी वाही कहाँ आ रही है, तो ये जाली नुमा एक संरचना बना रही है, तो इसलिए हम इसको जाली नुमा पैटर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, आप यहाँ देख रहे हैं ये ट्रिब्यूटरीज, फिर ये रिवर ऐसे भरी है, तो ये जब इन ऐसे मिलाते हैं तो सब एक आयत आयत के रूप में बन जाती है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। फिर उसके बाद में नंबर चार पे है पिनेट के रूप में, यानी पर्णुमा, पक्षी के पंख जो होते हैं उसके आकार में, यहाँ देखो ये डबल डबल ऐसे निकला हुआ है, ये डबल यहाँ डबल, तो ये पर्णुमा जो है अपवाह तंत्र है। उसके बाद में पैरेलल, यानी ये एक नदी आ रही है इसके अपोजिट में दूसरी नदी इसके पैरेलल है और यहाँ पे फिर पैरेलल जा रही है, ये यहाँ पे पैरेलल है, तो ये अपवाह प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। फिर एक आता है रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल,
ये सब एग्जाम में रेडियल वाला बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, तो दोनों में ही अपोजिट डायरेक्शन रहता है। रेडियल में क्या होता है कि जो ऊंचाई की वाला भाग है, जैसे हमारे इंडिया में रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा उदाहरण है, जो हमारी मेकाल पहाड़ी है, अमरकंटक चोटी है, वहाँ से एक तरफ से सोन निकलती है और एक तरफ से नर्मदा नदी निकलती है, तो वो रेडियल और उसके अगले भाग से इधर से दामोदर निकलती है, दामोदर सोन और ये एक ऊंचे भाग से तीनों चारों तरफ से नदियाँ निकलती है, तो रेडियल अपवाह तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है, पीक होती है और चारों तरफ नदियाँ निकलती हैं, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं रेडियल, ये हिंदी में बोलती हैं अरिये। फिर सेंट्रीपिटल के बारे में देखें, तो जहाँ पिटल आ गया इसका मतलब अंदर की तरफ जाना है, यानी पीटने के लिए जाना है, तो ये पिटल और फ्यूगल, फ्यूगल यानी रफू चक्कर होना है, रफू फू में, अगर रफू चक्कर में फू आता है वैसे ही फ्यूगल आ गया तो भागना है, और ये पीटल में अंदर की तरफ जाना है, पीटने के लिए जाना है, पीटेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो सारी नदियाँ जो है एक गड्ढे में आके गिरती है, ये चारों तरफ का भाग ऊंचा रहता है और सारी नदियाँ आके इसमें गिरती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पीटल। एनुलर में कैसे होता है कि बीच का भाग ऊपर होता है लेकिन जो नदियाँ हैं वो एक वलयाकार पथ बनाती है, गोल 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 इस पर वलयाकार पथ बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं एनुलर। उसके बाद आता है हेरिंग बोन ड्रेनेज सिस्टम। हेरिंग बोन एक मछली होती है जैसे अपने तो उस मछली के नाम पे इस ड्रेनेज पैटर्न का नाम लिख रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है नदी की, वो उसी मछली की पसलियों की भांति उसमें मेन मुख्य नदी में आके मिलती है, इसलिए। और ये जो नदी है इसमें क्या होता है कि ढलान जो है वो बहुत तेज होता है, जो बीच की पर्वत श्रेणी जो रहती है, ये माउंटेन रेंज रेंज जो है, हिल रेंज है, इसका ढलान बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ से जो निकलने वाली ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, वो सीधी 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 निकलती है, इसलिए ये मुख्य नदी में एकदम बिल्कुल समकोण पे जाके मिलती है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम रिप पैटर्न भी बोलते हैं, और हेरिंग बोन, चूँकि ये हेरिंग बोन जो है मछली के बोन के हिसाब से है तो इसको हेरिंग बोन बोलते हैं, और ये इसको हम जो है रिप पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रकार का जो पैटर्न है वो हमारे हिमालय में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हिमालय ऊंचा है और हिमालय के जो हिमालय जो हमारा पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है उसमें जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों में हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो तेज ढलान में आती हैं, फिर मुख्य नदी में मिलती है, तो उस इस तरफ का जो पैटर्न है इस तरह का वो वहाँ पे ज़्यादातर बनता है। उसके बाद में हम अगला पैटर्न देखते हैं, इंटरमीडिएट ड्रेनेज सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। जैसा कि इसका आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी मुख्य नदी है और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो मुख्य नदी किस दिशा में कहाँ पे बह गई, कितनी मुख्य नदी आके मिल गई, ये एक दूसरे से ओवरलैप्ड रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण की बात करें तो फिनलैंड जो है, जो यूरोप का एक कंट्री है, फिनलैंड, तो आपके दिमाग में फिनलैंड का डायग्राम आ जाना चाहिए, तो फिनलैंड फिनलैंड का जो अपवाह प्रतिरूप है वो इस तरह का के प्रतिरूप का एक अच्छा उदाहरण है वहाँ का। उसके बाद में ये नंबर 12 पे है, इंटरमीडिएट ड्रेनेज सिस्टम और टेम्पररी ड्रेनेज सिस्टम। इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम को हम समझने के लिए
हमारे जो राजस्थान है वहाँ का हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो जलधाराएं होती है वहाँ पे बहने वाली, वो मौसमी होती है। जब बारिश आती है तो जलधाराएं बहती है, उसके बाद में विलुप्त हो जाती है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में मौसमी जलधाराएं, जिनका अपवाह प्रतिरूप जो होता है वो बनता है, और जैसे जैसे वर्षा रहती है तो अपवाह प्रतिरूप सक्रिय रहता है, और वर्षा खत्म होने के बाद में उन नदियों का जल जो है सूख जाता है। या अगर हम बात करें जैसे भाबर एरिया में, नदी का जल जो है पत्थरों के नीचे चला जाता है, उसके बाद में तराई में पुनः आता है और पुनः हमें नदी का रूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम टेम्पररी ड्रेनेज सिस्टम या प्रच्छन्न, हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप या इंटरमीटेंट अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला यहाँ पे नंबर 13 होना चाहिए था, 11 हो गया। तो ये 13 नंबर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी जब हमारी बारिश होती है तो कुछ पानी भूमि में इसके अंदर चला जाता है, और वो जो पानी है वो अंदर में जाके एक अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करता है। जो चूना पत्थर की सेलें होती है उनमें स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट ऐसी कई संरचना बनती है, स्तंभ, पोल्जे, कई संरचनाएं बनती हैं। तो उन्हीं संरचनाओं के बीच में जो अपवाह प्रतिरूप बनता है उसको हम ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इसको भूमिगत अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। उसके बाद में एक अपवाह प्रतिरूप आता है बार्ब्ड ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। इसमें हम देख रहे हैं, देखो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक रिवर है जो इस तरफ जा रही है, यानी और इसकी ट्रिब्यूटरी इसकी विपरीत दिशा में आके मिल रही है, यानी जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती है जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी की विपरीत विपरीत होती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये नदी इधर से बह रही है और ये सहायक नदी की जो दिशा है इसके विपरीत है। तो ऐसे जो अपवाह प्रतिरूप बनते हैं उसको हम ब्रेडेड बोलते हैं, यानी बार बार बोलते हैं, बार बार ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, यानी कंटकीय ड्रेनेज सिस्टम। तो ये 13 ड्रेनेज सिस्टम प्रमुख थे। तो इन ड्रेनेज सिस्टमों का एक बार हम नाम रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, फिर पंखनुमा, फिर यहाँ पे समानांतर, फिर अरीय, फिर यहाँ पे जो है वलयाकार, फिर ये केंद्र की ओर जो केंद्रीय, उसके बाद में यहाँ पे हेरिंग बोन, फिर उसके बाद में इंडेटर्मिनेट यानी, और फिर इधर प्रच्छन्न, उसके बाद में भूमिगत, और ये कंटकीय। ये थे ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे रिवर कैप्चर। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ एक मुख्य नदी में मिल जाती है, और जो मुख्य नदी होती है वो एक दूसरी मुख्य नदी का भी अपहरण कर लेती है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इसको देखते हैं रिवर कैप्चर। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये एक डिवाइडर है, एक पर्वत श्रेणी है, इसकी तरफ का जो ढलान है वो जो है तेज तीव्र है, और यहाँ का ढलान जो है जेंटल है। ये स्टीप ढलान है, ये जेंटल ढलान है। अब एक नदी इस तरफ बह रही है, एक नदी इस तरफ, यानी यह इससे पानी जो उतर के जा रहा है वही नदी में आके मिल रहा है, ये एक मुख्य नदी है, और यहाँ से जो पानी उतर के आ रहा है एक ये मुख्य नदी है यहाँ पे। अब ये डायग्राम हो गया, इसमें ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर ये डायग्राम हम देखते हैं, ये नदियाँ कंटिन्यू बहती गई, ये इधर ये इधर। अब ये जो बीच में इसका डिवाइडर था, इस डिवाइडर को इन्होंने अपरदन करना शुरू किया, और एक एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे ढलान तेज था, तो ये जो जल विभाजक यहाँ बीच में था, वाटर डिवाइडर, इसको इन्होंने काट दिया और दोनों नदियों का पानी आपस में मिल गया। तो इसने ये जो जिस तरफ का ढाल जेंटल था वहाँ से खड़े ढाल की तरफ
इसका पानी प्रवाह करना शुरू हो गया, और जो दूसरी नदी थी उसको हम कैप्चर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, जिसका अपहरण हुआ है और जिसने अपहरण किया है वो कैप्चर स्ट्रीम कहलाती है, वो नदियाँ कहलाती है। और यहाँ एक गहरे गर्ज का निर्माण होता है, और जहाँ से ये नदी मुड़ती है, यानी जहाँ से ये नदी, इस नदी का बहाव पहले इस तरफ था और अब इसका विपरीत हो जाता है, इसको इसलिए इसको उल्टी सरिता भी बोलते हैं। और ये जो एल्बो यहाँ बनती है उसको हम कैप्चर एल्बो बोलते हैं, एल्बो ऑफ कैप्चर यानी अपहरण की कोनी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नदी का अपहरण हुआ है और ये नदी यहाँ से इस नदी से टूट के मुखे अपनी नदी से टूट के अपना मुँह है इधर घुमा लिया है, और ये जो जहाँ खड़ा ढलान वाली मुख्य नदी थी उस नदी में आके ये अपना जल गिराने लग गई। अब ये जो नदी रहती है, इस नदी को हम बी हेडेड स्ट्रीम बोलते हैं, यानी एक छुटी हुई नदी, इस नदी को हम बोलते हैं, या शीर्ष इसका कटा हुआ है, बी हेडेड इसलिए इसको नाम दिया गया इंग्लिश में, या इसको रुंडित नदी भी बोलते हैं, यानी इसका सर काट के और इसका धड़ धड़ रह गया है, तो यहाँ से इसका सर काट दिया गया जहाँ पे वाइंड गैप है, तो ये जो बीच में जो गैप बन जाता है उसको हम वाइंड गैप बोलते हैं। और इसकी जो वैली होती है वो कंटिन्यूस के जल नहीं मिलने से सूख जाती है, परंतु कई बार क्या होता है कि जो सहायक नदियाँ उनसे इनको इसको जल मिलने से इसमें जल की आपूर्ति बनी रहती है, परंतु यहाँ पे एक वाइंड गैप बन जाता है और ये जो वैली है वो नॉर्मल वैली ना कहलाकर मिसफिट वैली कहलाती है। जो नदी का अपहरण होता है वो तीन तरफ से हो सकता है, मतलब रिवर कैप्चर के तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप हो गया शीर्ष की तरफ कटाव, यानी एक तरफ ढाल खड़ा रहेगा एक तरफ ढाल कम रहेगा, तो खड़ा वाला ढलान से कटिंग होती रहेगी और यहाँ से कम कटिंग होती रहेगी, दोनों मिल जाएंगे और नदी का अपहरण हो जाएगा, तो ये एक शीर्ष अपरदन हुआ। दूसरा अपरदन ऐसा होता है, एक नदी यहाँ पे बह रही है, दूसरी नदी उसके बाजू में बह रही है, ये नदी का बहाव तेज है, पानी इसमें ज़्यादा है, घाटी इसकी गहरी है, और दूसरी नदी यहाँ बह रही है बाजू में, इनका दोनों का पार्श्व का अपरदन होता रहेगा और एक एक टाइम आएगा कि दोनों नदी आपस में मिल जाएगी, तो जो नदी की घाटी गहरी है वो दूसरी कम गहरी घाटी वाली नदी को अपने में मिला लेगी और वहाँ पे यू घाटी का निर्माण होगा, तो जैसा कि हिमनद में होता है। परंतु ये जो छोटी रिवर रहेगी वो मुख्य नदी में आके मिल जाएगी, इसका अपहरण हो जाएगा। ये था पार्श्व अपरदन। और तीसरा इसका होता है नदी सर्प अपरदन बोलते हैं इसको, जब नदी मियांडर बनाती है, मैदानी भागों में आती है, तो जैसे हम देखा कि शीर्ष अपरदन जो रहता है वो इसके तरुण अवस्था में होता है, और जो पार्श्व अपरदन और लास्ट वाला नदी विसर्प जो है दोनों प्रौढ़ावस्था में होता है। जब लास्ट में नदी विसर्प अवस्था में आती है, मियांडर बनाते बनाते घूमती है, तो जिस नदी में बहाव थोड़ा तेज होगा, घाटी ज़्यादा गहरी होगी, वो बाजू वाली नदी के विसर्प को अपने अंदर ले लेगी जब दोनों कटेंगे। तो इस तरफ के जो अपहरण होता है उसको हम नदी विसर्प अपहरण कहते हैं। तो ये था नदी कैप्चर और उसके टाइप कि किस तरह से नदी का कैप्चर हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि नदी कैप्चर के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। पहली आवश्यकता, नदी का ढाल जो है तीव्र होना चाहिए। दूसरा, नदी जो बह रही है उसकी घाटी कम चौड़ी होनी चाहिए। जब चौड़ी कम रहेगी तो जो है जल उसका दूर तक जाएगा, जल की मात्रा उसमें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि तीव्र ढाल के साथ उसका प्रवाह हो सके। उसमें जो कंकर पत्थर गाद की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। नदी कमज़ोर सेल से होकर बहनी चाहिए, यानी उसको काट के आसानी से नदी पार निकल जानी चाहिए। ये जो 5-6 मुख्य आवश्यकता थी जो नदी कैप्चर में इम्पोर्टेंट है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा हिमालय की नदियाँ।
इस वाले में हमने पढ़ा अपवाह तंत्र क्या होता है उसके बारे में, फिर अपवाह तंत्र के टाइप, फिर इंडिया में कैसे कैसे अपवाह तंत्र हैं, कैसे कैसे डिवाइडिंग लाइन इंडिया की है, और फिर हर अपवाह तंत्र के सब टाइप पढ़े हमने। फिर सब टाइप के बाद में हमने रिवर कैप्चर पढ़ा, रिवर कैप्चर के टाइप पढ़े और उस इम्पोर्टेंट थिंग्स की रिवर कैप्चर के लिए क्या क्या ज़रूरतें रहती है, कब रिवर कैप्चर संभव है ये पढ़ा। अगली वीडियो में हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि सारा वीडियो मैप के थ्रू पढ़ाया गया है, आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी आप ये डायग्राम जो है आपके दिमाग में आएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, मेरी यही आशा रहती है। और इंतज़ार कीजिए नई वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।